शैतानी शक्ति से समय गति को पीछे लेकर सारी बाजी पलटा कर अपने हक में कर दी थी। जहां वो एक तरफ श्वेतांग यक्ष के कारण पिंजरे में बंद हो गया था और वहीं पर कुछ ही पलों के बाद उसने समय गति को पीछे लेकर सारी परिस्थिति पलट दी थी। अपने हाथ में बड़ा सा पत्थर उठाकर सिद्धार्थ के ऊपर मारकर उसे कुचलने ही वाला था कि अचानक से एक विशाल पक्षी कहीं से उड़कर आया और उसने वीर जी पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। कई फुट विशाल ये पक्षी वीर जी के ऊपर अपनी चोंच और पंजों से वार करने लगा। वीर जी के हाथ से वो बड़ा पत्थर पीछे की तरफ गिर गया और उसने जो अपनी सारी शक्ति इकट्ठी करके समय गति को पीछे पलटा दिया था वो अब फिर से पहले की भांति हो गई और समय जहां पर था वहीं पर फिर से आ गया। गांव के सारे लोग फिर से आजाद हो गए और जहां पर पहले थे वहीं पर आ गए। श्वेतांग यक्ष भी फिर से वहां पर आकर खड़ा हो गया और उसके हाथ से जो आग का गोला निकला था वो फिर से निकलकर वीर जी की तरफ आगे बढ़ने लगा। गौरी भी आजाद हो गई और आकर सिद्धार्थ के पास खड़ी हो गई। सिद्धार्थ भी पहले की भांति वहां पर खड़ा हो गया। वीर जी खुद को संभाल पाए उससे पहले वो विशाल पक्षी वीर जी को अपनी चोंच में दबाकर किसी कीड़े मकौड़े की भांति आकाश में लेकर उड़ने लगा। तब वीर जी ने अपनी सारी शक्ति एक साथ एकत्रित करके खुद के शरीर को आग की तरह गर्म करने लगा। वीर जी का शरीर तपते हुए आग के गोले की तरह गर्म हो गया और इसी कारण उस पक्षी ने वीर जी को अपनी चोंच से नीचे गिरा दिया। वीर जी नीचे गिरते ही तुरंत ही उठ खड़ा हो गया और उसने अपने शरीर को ठंडा कर दिया। वह गुस्से से पक्षी की तरफ देखने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि वो पक्षी आखिर आया कहां से था। वीर जी ने अपने आप से आश्चर्यचकित होते हुए कहा, ये पक्षी अचानक यहां पर किस तरह आ गया, वो भी जब मैंने समय को पीछे ले लिया था तब। यह अचानक कौन सी शक्ति पैदा हो गई जिसने समय की चाल को भी मात दे दिया। तभी उस पक्षी ने अपना रूप बदला। सभी आश्चर्यचकित हो गए। वो पक्षी कोई और नहीं बल्कि बूढ़े बाबा थे। बूढ़े बाबा को देखकर सिद्धार्थ, गौरी और बाकी के गांव वाले एकदम ही खुश हो गए। श्वेतांग यक्ष भी बूढ़े बाबा को देखकर एकदम खुश हो गया, लेकिन वीर जी बूढ़े बाबा को देखकर अत्यंत कुपित हो गया। उसने बूढ़े बाबा को चिल्लाते हुए पूछा, ए बुड्ढे, तू यहां तक कैसे पहुंच गया? तेरा यहां आना नामुमकिन कर दिया था मैंने, फिर किस प्रकार तू यहां तक पहुंच पाया? तब बूढ़े बाबा ने कहा, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि सारी शक्तियां तुझे अकेले के पास ही है? सत्य तो यह है कि तुम्हारे पास शक्तियां कम है और शक्तियां होने का भ्रम कहीं ज्यादा है। यह सुनकर वीर जी ने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? बूढ़े बाबा बोले, वही जो तुमने सुना। तुम्हें जिस बात का दंभ है कि शैतान ने तुम्हें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करके दी है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि तुम्हें उस शक्तियों का सिर्फ एक अंश प्राप्त हुआ है। पूरी शक्ति तो शैतान ने तुम्हें दी ही नहीं। जैसे समय की गति को पीछे लेना तो तुम्हें आता है, लेकिन उसे पकड़ के रखना नहीं आता, उसे नियंत्रित करना नहीं आता। यह सुनकर वीर जी गुस्से में चिल्लाया, अरे चुप कर बुड्ढे, क्या अनाप शनाप पके जा रहा है तू? सारा गांव जानता है कि तू एक नंबर का छलिया है। और बूढ़े बाबा ने उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहा, छल को छल से ही काटा जाता है वीर जी। ये कहकर बूढ़े बाबा ने अपने हाथ में एक नीले रंग का बिजली का गोला प्रकट किया और वीर जी के ऊपर फेंका। तभी वीर जी ने अपने हाथ को आगे करके उस बिजली के गोले को बीच रास्ते में रोक लिया था। बूढ़े बाबा ने फिर से अपने हाथ में पहले से भी बड़ा बिजली का गोला तैयार किया और उसे फिर से वीर जी के ऊपर फेंका। वीर जी ने उसे भी बीच में रोक दिया। बूढ़े बाबा ने अब तीसरी बार उन दोनों से बड़ा बिजली का गोला निर्माण किया और उसे वीर जी की ओर फिर से फेंक दिया। वीर जी ने उसे भी बीच रास्ते में रोक दिया। अब वीर जी और बूढ़े बाबा के बीच में तीन बिजली के गोले थे, एक छोटा, दूसरा बड़ा और तीसरा उससे भी बड़ा। वीर जी कुछ समझ पाए उससे पहले बूढ़े बाबा ने चुटकी बजाई और तीनों गोले एक दूसरे के अंदर समा गए और एक बड़ा सा बिजली का गोला तैयार हुआ। वीर जी और बाकी के गांव वाले अचंभित होकर देख रहे थे कि आखिर वहां पर हो क्या रहा था। सिद्धार्थ और गौरी भी आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि बूढ़े बाबा
आखिर कर क्या रहे थे? सिद्धार्थ के मन में भी कई सारे प्रश्न उठने लगे थे। उसने अपने मन में सोचा, ये बूढ़े बाबा के पास ऐसी शक्ति कहां से आई? आज से पहले तो उन्होंने कभी ऐसी शक्ति का उपयोग नहीं किया और ना ही इसके बारे में हमें कभी बताया। वीर जी कुछ करने जाए उससे पहले बूढ़े बाबा ने कहा, अगर तुम्हें तुम्हारी जान प्यारी है तो इस बिजली के गोले को छेड़ने की कोशिश मत करना। वो बिजली का गोला बीच में ही काफी शानदार रूप में चमक रहा था और उसके अंदर रही हुई बिजली काफी फड़फड़ा रही थी। वीर जी अब काफी गुस्से से तिलमिला रहा था। उसने बूढ़े बाबा से कहा, अरे तुम्हारी कोई भी बात को मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त यमलोक पहुंचा सकता हूं। ये कहकर उसने बूढ़े बाबा को अपनी शैतानी शक्ति से ऊपर हवा में उठाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा क्योंकि बूढ़े बाबा उसकी शक्ति से बिल्कुल भी अनछुए रह गए। वीर जी ने बूढ़े बाबा को अपनी कई सारी शैतानी शक्ति से उठाने की, धक्का मारने की और खींचने की कोशिश की, लेकिन वीर जी हर बार नाकाम हुआ। बार बार नाकामयाब होने के कारण अब वीर जी बहुत गुस्से में आ गया था और उसने अपनी सारी शैतानी शक्तियों को परे रख दिया और खुद बूढ़े बाबा को अपने हाथों से मारने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वो बूढ़े बाबा के पास पहुंचा, एकदम से सिद्धार्थ दोनों के बीच में आ गया और एकदम से सिद्धार्थ के आगे श्वेतांग यक्ष आकर खड़ा हो गया। श्वेतांग ने कहा, अगर बूढ़े बाबा या सिद्धार्थ तक पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले मुझसे सामना करना होगा। तब बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ और श्वेतांग यक्ष को कहा, तुम दोनों एक तरफ हो जाओ, ये मुझे मारने के लिए आया है तो करने दो इसे। बूढ़े बाबा के ऐसा कहने पर भी सिद्धार्थ और श्वेतांग वहां से नहीं हटे। तब बूढ़े बाबा ने अपने हाथ से दोनों को एक तरफ किया और वीर जी को कहा, मुझे मारने आए थे ना, तो चलो अपनी ताकत आजमा कर देख लो मेरे ऊपर। बूढ़े बाबा के उकसाने पर वीर जी ने जोरों से बूढ़े बाबा के ऊपर एक मुक्का मारा, लेकिन उसका हाथ जैसे ही बूढ़े बाबा के मुंह के ऊपर लगा, वैसे ही उसे ऐसा लगा कि उसने किसी लोखंड के खंभे पर अपना हाथ मार दिया हो और उसका हाथ जोरों से दर्द करने लगा। उसकी उंगलियां मानो टूट गई थी। वीर जी अपना हाथ पकड़कर दर्द से कहरा उठा। बूढ़े बाबा ने वीर जी को कहा, तुम और मैं क्यों ना एक साथ द्वंद करें, बाकी सब लोग पीछे हट जाएं। वीर जी ने गुस्से से बूढ़े बाबा की ओर देखा और कहा, जरूर तूने ही मेरे पिता को मारने की सबसे बड़ी साजिश रची थी। तूने ही मेरे पिता को जिंदा दीवार में चुनवाने का आदेश दिया था। 40 साल तक मेरा बाप उस दीवार के अंदर घुट घुट कर जी रहा था, इसलिए इन सबसे बड़ा गुनाहगार तू है और सबसे पहले मैं तुझे ही सजा देना पसंद करूंगा। वैसे भी तेरे पास कुछ शक्तियां हैं, इसलिए तेरे साथ लड़ने में मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा। इन कीड़े मकोड़ों जैसे गांव वालों को कुचलने से कई अधिक कीर्ति तुझे मारने पर मुझे मिलेगी। ये कहते ही उसने अपनी शैतानी शक्ति से चारों तरफ कवच जैसा बना दिया जिसके अंदर सिर्फ वो और बूढ़े बाबा और वो बिजली का गोला था और कोई भी नहीं, कोई दूसरा चाहकर भी अंदर नहीं आ सकता था। कवच देखकर सिद्धार्थ, गौरी और श्वेतांग यक्ष के साथ साथ बाकी के गांव वाले भी थोड़े से चिंतित हो गए। सिद्धार्थ ने कहा, वीर जी जरूर अंदर कोई ना कोई छल करेगा, लेकिन हम बूढ़े बाबा को बचाएंगे किस तरह से? तब श्वेतांग यक्ष ने कहा, मैं अपनी शक्तियों से इस कवच को भेदने का प्रयत्न करता हूं। ये कहकर वो अपनी शक्तियों से कवच को भेदने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो कवच श्वेतांग यक्ष से टूट नहीं रहा था। उस तरफ कवच के अंदर बूढ़े बाबा ने अपने हाथ से वीर जी को खुद पर आक्रमण करने का इशारा किया। तब वीर जी ने अपने हाथ में एक तलवार प्रकट किया और दौड़ते हुए आकर सीधा बूढ़े बाबा पर वार करने के लिए उसने छलांग लगाई। जैसे वो बूढ़े बाबा पर तलवार चलाने वाला था कि बूढ़े बाबा ने अदृश्य होकर उसके पीछे प्रकट हो गए। ये देखकर वीर जी के साथ साथ बाकी गांव वालों को भी आश्चर्य हुआ, खास करके सिद्धार्थ और गौरी को, क्योंकि बूढ़े बाबा के पास ऐसी शक्तियां थी ये उन्हें पता ही नहीं था। वीर जी फिर से पलटकर बूढ़े बाबा पर अपनी तलवार से वार करने गया। तब बूढ़े बाबा फिर से अदृश्य हो गए और दूसरी तरफ आकर प्रकट हो गए। वीर जी ने उस तरफ जाकर भी बूढ़े बाबा पर वार करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी बूढ़े बाबा अदृश्य हो गए और एक दूसरे की तरफ प्रकट हो गए। अब वीर जी चिढ़ने लगा था और ये देखकर
बूढ़े बाबा ने उसे और चिढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही वीर जी बूढ़े बाबा पर तलवार से वार करने जाता और बूढ़े बाबा अदृश्य होकर कहीं और प्रकट होते, तब दूसरी तरफ प्रकट होते ही बूढ़े बाबा वीर जी को चिढ़ाते हुए कहते, यही तुम्हारी शक्ति है मूर्ख। तो दूसरी बार ऐसा कहते, शर्म आनी चाहिए, इस शैतान की इतनी चापलूसी करने के बाद भी उसने तुम्हें नकारा और नालायक ही रखा। ये सुनकर वीर जी को और भी गुस्सा आ गया और बूढ़े बाबा जहां पर खड़े थे उनकी तरफ एक बड़ा सा आग का गोला फेंका। बूढ़े बाबा फिर से अदृश्य हो गए और वो आग का गोला पीछे जाकर कवच पर लगा। बूढ़े बाबा फिर से दूसरी तरफ प्रकट हुए, तब वीर जी ने गुस्से में आकर अपने दोनों हाथों को ऊपर हवा में उठाया और फिर से समय गति को पीछे लेने की कोशिश करने लगा। लेकिन तब तक बूढ़े बाबा ने उसके ऊपर अपनी दिव्य शक्ति से वार किया और वीर जी पीछे जाकर गिर गया। वीर जी गुस्से में उठा और उसने बूढ़े बाबा की तरह खुद भी अदृश्य होकर बूढ़े बाबा पर वार करने की कोशिश की, लेकिन खुद अदृश्य होकर भी वो बूढ़े बाबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, क्योंकि जैसे ही वो खुद अदृश्य होता वैसे ही बूढ़े बाबा भी अदृश्य हो जाते और उसके सामने प्रकट होने पर ही बूढ़े बाबा फिर से प्रकट होते। वीर जी अब पूरी तरह से परेशान हो चुका था, वो किसी भी तरह अब बूढ़े बाबा को समाप्त कर देना चाहता था, इसलिए उसने आप अपने हाथों में धनुष प्रकट किया और अपने दूसरे हाथ में एक शैतानी तीर प्रकट किया और उस शैतानी तीर को धनुष पे रखते हुए उसने कहा, ए शैतानी तीर, जाओ और इस बूढ़े बाबा के जाकर सीने में लग जा। वो जहां कहीं भी हो, अदृश्य हो या प्रत्यक्ष हो, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, सीधा जाकर बूढ़े बाबा को ही अपना शिकार बनाओ। इसी वक्त मेरे आदेश का पालन किया जाए। ये कहते ही तीर चमकने लगा और उसके अंदर से कुछ काले रंग के तरंग बाहर निकलने लगे। फिर वीर जी ने उस तीर को धनुष पर लगाया और फिर से घोषणा करते हुए कहा, ऐसे ही मेरे गद्दार भाई के हड्डियों से बने हुए धनुष से तूने मेरे पिता की हत्या करवाई थी ना, अब देख ठीक उसी तरह वैसी ही तीर से तुम्हारी भी हत्या होगी और मैं उसे करूंगा। ये कहते ही बूढ़े बाबा की तरफ वीर जी ने धनुष उठाकर अपना निशाना लगाया। ये देखकर सभी गांव वाले एकदम चिंतित हो गए, खासकर सिद्धार्थ और गौरी को बूढ़े बाबा की बहुत अधिक चिंता हो गई। उसने तुरंत ही श्वेतांग यक्ष से कहा, बूढ़े बाबा की जान खतरे में, जल्दी से ये कवच तोड़ने की कोशिश करो, हमें बूढ़े बाबा को किसी भी तरह बचाना ही होगा। श्वेतांग अपनी पूरी शक्ति लगाकर कवच को भेदने की कोशिश करने लगा। कवच में हल्का सा दरार भी पड़ गया था, लेकिन कवच को पूरी तरह तोड़ने में अभी वक्त लगता और बूढ़े बाबा को बचाने के लिए इतना समय नहीं था। तब वीर जी ने बूढ़े बाबा के ऊपर अपना निशाना साधा। बूढ़े बाबा चुपचाप वहीं पर खड़े रहकर मुस्कुरा रहे थे और वीर जी ने उसी वक्त अपने धनुष की प्रत्यांचा को छोड़ दिया और वही नामभेदी तीर सीधे धनुष से निकला और पहले बूढ़े बाबा की तरफ आगे बढ़ा। ये देखते ही सभी की सांसें अटक गई, सभी के दिल की धड़कनें थम सी गई। सिद्धार्थ और गौरी के मुंह से निकल पड़ा, बाबा, क्या वीर जी के अमोघ तीर से बूढ़े बाबा का अंत निश्चित था?